उठा के फेंक दीजिए जाके उसको गंगा गंगा जी में कहीं, ठीक है, जिसके कारण तुम्हारी गंदगी आती मूल्यों की, मूल्य हैं, अप्रतिष्ठित मूर्ति है, ठीक है बेटा, हटा देना है, बस इतनी ही बात है, गंदगी हटा दो, गंदगी चली जाएगी, नहीं तुमको दिखता भी है। अब वाइफ के बारे में बात कर रहे थे। हाँ जी, देखो ऐसा है, पढ़ दो पढ़ दो। ओवरी में सड़न, गर्भाशय में कैंसर बन रहा है, फाइब्रॉइड्स बन रहे थे गर्भाशय में, वजाइना में सूजन। ऐसा कौन शुरू किया? हाँ जी, पेट पर और सिर पे। हाँ जी, हम तो किया। आपने अपना? हाँ। दोनों लोग? हाँ। कितने दिन हो गए? 3 महीना। पूरा 6 महीने करना? हाँ, बोला। हाँ, अभी अभी और लेके जाने करेंगे। क्यों? ये जितना तुम पढ़ रहे हो, हाँ, ये बहुत अच्छा हो गया पहले से। अच्छा, ठीक है ना? ठीक। और अच्छा और होता जा रहा है। अच्छा। और जैसे तुम्हारा 6 महीने हो जाएगा, हाँ, वैसे ही ये सब चीजें एकदम अच्छी हो जाएगी। ठीक ठीक है, ठीक। फिर संतान के लिए ट्राई करना है। ठीक है, ऐसा खुश हो तो एक बार देख लीजिए। हम दोनों में होता है झगड़ा होता है। झगड़ा होता है? हाँ जी। डीएनए में दो ही लोग हो? हाँ हाँ, दो ही लोग हैं। आंखें बंद कर देखिए, क्यों झगड़ा करते हो? आंख खोल लो। तुम्हारी धर्मपत्नी कहाँ है? खड़ी करो जरा, हम बताएं क्यों होता है झगड़ा। इधर आओ, इधर आओ, हम बताएं क्यों होता है। खुश हो। जो हम बोलते रहते हैं वीडियो में कि गंदी चीजें घर में नहीं रखनी है, गंदी मतलब समझ रहे हो, गलत वस्तु का पूजा पाठ बेटा नहीं करना है, गलत चीज का, वो आज भी आप क्या रखी है हटा दीजिए, उठा के फेंक दीजिए जाके उसको गंगा गंगा जी में कहीं, ठीक है, जिसके कारण तुम्हारी गंदगी आती मूल्यों की, मूल्य हैं, अप्रतिष्ठित मूर्ति है, ठीक है बेटा, हटा देना है, बस इतनी बात है, गंदगी हटा दो, गंदगी चली जाएगी, नहीं तुमको दिखता भी है, तुमको दिखती भी है चीजें। गुरुजी, 3 महीने पहले जब मैं वनडे करके गई थी तो फिर कुछ भी सपने अपने नहीं आते थे, लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ, जब मैं इस बार आई हूँ, तो फर्स्ट नाइट को ही मैंने सपना देखा। हाँ, ऐसे रखे हुए हैं अभी भी मुल्ला जी, समझ गए, फाड़ दो, घर जाते पहले फेंकना है, ठीक है। जो हम उनका नाम नहीं लेना है, रोज हम बोलते हैं, लोग नाराज हो जाते हैं हमारी बात सुन के, अब शंकराचार्य जी बोलने लग गए हैं, शंकराचार्य जी बोलने लग गए हैं, और कहो तो हम सुनवा दें, 1 सेकंड लगेगा, सुन लो। देखो शंकराचार्य जी क्या कहते, सुन लो, हमारे सबसे बड़े धर्म गुरु क्या कह रहे हैं, सुनिए। प्रतिष्ठित नहीं हो सकते, राम जी के सिद्धांत पर ही, राम जी के नाम पर प्रहार आप कर रहे, तो राम जी की मूर्ति होगी या कोई और मूर्ति होगी? इसलिए मैंने जो कहा, होश में कहा है ना, बेहोश में नहीं, भांग वांग नहीं खाता हूँ, राम जी हो ही नहीं सकते। वो देखिए, स्कंद पुराण आदि में लिखा है, और सामान्य बात नहीं है, हल्का फुल्का नहीं लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मेरे वाक्यों को 24 बिंदुओं को लगभग पहली बार में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जजमेंट का रूप दिया है। गजपत जी परेशान हैं कि शंकराचार्य ने जो मैंने 24 बिंदु गजपत जी को भेज दिया था कि 24 बिंदु में दे रहा हूँ श्री जगन्नाथ मंदिर को लेकर, 24 बिंदुओं में पहले ही, अब तो 1 साल हो गए निर्णय दिए, 3/4 मेरा ही जो वाक्य हिंदी में, उसको अंग्रेजी में, उसमें लिखा है चीफ जस्टिस ने, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, अपने शब्दों में कि देवता की प्रतिमा मूर्ति विधिवत पूजित प्रतिष्ठित न हो, तो उसमें यक्ष भूत प्रेत पिशाच वैताल
उपद्रवी तत्व का सन्निवेश हो जाता है, वो सबको बेहाल कर देता है। ये अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मेरा वाक्य अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है अंग्रेजी में। अंतर इतना है कि मैंने हिंदी में दिया, तो विधिवत अगर प्रतिष्ठा नहीं होगी राम जी की, एक सेकुलर मर्यादा। सुन ली जी गुरु, क्या कह रहे हैं? हमारे सबसे बड़े धर्म गुरु, हमारे दुनिया के सबसे बड़े धर्म के गुरु, क्या कह रहे हैं हमारे गुरु, हमारे शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं? शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं कि आप प्रतिष्ठित मूर्ति में क्या रहते हैं, दैत्य दानव भूत प्रेत यक्ष पिशाच, उनकी पूजा करोगे तो वही आएंगे और वही आपको कष्ट देंगे, इसलिए बिना प्राण प्रतिष्ठा की गई हुई मूर्ति की पूजा नहीं करनी है। अब जिनकी आँख नहीं है, इन दो आँखों से देखते हैं, उनको लगता है भगवान है, मूर्ति भगवान हो गई। मूर्ति में भगवान नहीं है, भगवान मूर्ति में थोड़ा ना आ जाएंगे। हम भगवान को पूजते हैं प्रतीक मान के, हम मूर्ति की पूजा थोड़ा ना करते हैं। उसमें जो हम देव की पूजा करते हैं, देव तब होगा जब प्रतिष्ठित होगी, तो प्रतिष्ठा है ही नहीं मूर्ति में। तो वो तो खाम काज है, जिस लोहे की है, चाहे पीतल की है, चाहे पत्थर की है, वो उसी धातु है, वो तो केवल धातु है, ठीक है। प्रतिष्ठित होगी तभी जब उसको विधिवत हमारे ब्राह्मण देवतागण हमारे शास्त्रों के अनुसार उसकी प्रतिष्ठा करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा उसमें होगी तभी होगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि उठा के फेंको ये सब, ये जो लिए घूम रहे हो हाथ में पूजते हुए, क्योंकि हम तो शास्त्र की बात करेंगे ना, हम सनातनी हैं तो हम शास्त्र की बात करेंगे, हम हिंदू हैं तो अपनी संस्कृति हमारी है, जो हमारे ऋषि मुनियों की खोज है, अनुसंधान है, उसके अनुसार हम चलेंगे, वही मानेंगे। नहीं मानते तो कष्ट होता है, जैसे आपको हो रहा है जी गुरुजी। हैं तो हटा देना है बेटा, जी खुश हो, प्रसन्न हो, खूब खुश हो। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद।